मक्खी क्यों पैदा की गई? एक बादशाह शिकार खेलकर वापस आने के बाद तख्त पर बैठा था। थकावट की वजह से उसकी आंखें बोझल हो रही थी। बादशाह के पास एक गुलाम हाथ बांधे मुअद्दब से खड़ा था। बादशाह को सख्त नींद आई हुई थी, मगर जब भी उसकी आंखें बंद होती तो एक मक्खी आकर उसके नाक पर बैठ जाती थी और नींद और बेख्याली की वजह से बादशाह गुस्से से मक्खी को मारने की कोशिश करता, लेकिन उसका हाथ अपने ही चेहरे पर पड़ता था और वो हड़बड़ाकर जाग जाता था। जब 2-3 दफा ऐसा हुआ तो बादशाह ने गुलाम से पूछा, तुम्हें पता है कि अल्लाह सुभान ताला ने मक्खी को क्यों पैदा किया है? इसकी पैदाइश में अल्लाह सुभान ताला की क्या हिकमत पोशीदा है? गुलाम ने बादशाह का ये सवाल सुनकर तो उसने ऐसा जवाब दिया जो सुनहरे हुरूफ से लिखे जाने के काबिल है। गुलाम ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, अल्लाह सुभान ताला ने मक्खी को इसलिए पैदा किया है कि बादशाहों और सल्तनों को ये एहसास होता रहे कि वो खुद को कहीं खुदा न समझ बैठे, क्योंकि वो खुद से एक मक्खी को भी काबू नहीं कर सकते।